हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज स्टीफन गोगोई। और आज हम बात करेंगे एमसीएक्स एलुमिनियम लीड जिंक निकेल कॉपर। तो देखेंगे कौन सा मार्केट रेंज और कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, या डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड और मार्केट साइड हुए है कौन सा में चल रहा है, तो उसका ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये एलुमिनियम। तो आप देख सकते हैं एलुमिनियम मैंने 4 आवर चार्ट लिया, तो उसका ऊपर एक मैंने रेंज निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये एलुमिनियम रेंज एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो यहाँ से मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं जो मार्केट एलुमिनियम रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है मार्केट तो ये रेंज फिलअप करने के लिए यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और हमें देखना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन मेथड जो जहाँ यहाँ तक आना चाहिए, तो यहाँ पे ये लोअर लो बनाना बंद कर दिया, राइट। यहाँ पे लोअर हायर हाई बना रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का नीचे 200 के अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मेथड जो होता है उसका हिसाब से ये हायर हाई बना रहा है। आप देख सकते हैं हायर हाई, राइट। ये पहले हायर था, इसको ब्रेकआउट किया, हायर हाई बनाया, उसको ब्रेकआउट कर दिया हायर हाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोअर हाई बना रहा है, राइट, सॉरी हायर लो बना रहा है। तो यहाँ से एक बात कन्फर्म होना चाहिए, अगर ये ब्रेकआउट कर नहीं पाया तो मुझे लगता है यहाँ से जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका डाउन ट्रेंड कंप्लीट करके यहाँ से वो अप ट्रेंड लेना शुरू कर देगा, राइट। तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ से ट्रेडिंग करने से पहले इसको कन्फर्म कर लेना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका एलुमिनियम। तो अगर हम लीड को देखें, तो जैसे ही मैंने लीड को, शायद आपको याद होगा अगला वीडियो में बनाया था मैंने, लीड यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, आप देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है। तो आपको ट्रेडिंग करना है तो लीड ये रेंज में ही ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ये भी हायर हाई बना रहा है, राइट, बहुत नीचे आने का बाद जो इसका लॉन्ग रेंज है, तो इसमें एक हायर हाई बना रहा है, फिर भी मार्केट एक साइड वे में चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये नीचे हायर लो बना नहीं पाया तो मार्केट फिर से ऊपर जाने का चांसेस है लीड में। तो अगर 15 मिनट में छोटा टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है, राइट। थोड़ा छोटा कर देता मैं, हाँ ज़्यादा छोटा हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लीड एक रेंज में चल रहा है, राइट, एक रेंज। तो ट्रेडिंग करना है तो आपको ये रेंज में ही ट्रेडिंग करना चाहिए, अगर यहाँ पे मिले तो बाय लेके अपर जो पॉइंट है वहां तक आप होल कर सकता है। ये हो गया आपका लीड। अभी देखेंगे जिंक। तो जिंक भी हम देख लेते, लार्ज टाइम फ्रेम में मैंने जो आपको बताया था शायद होगा आपका ऑलमोस्ट 15 डेज या 1 वीक एगो से मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ। तो जिंक एक रेंज में ट्रायंगल शेप में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने बाय करने के लिए बोला, यहाँ से आपको सेल था, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो हमें अभी वेट करना है तो यहाँ तक जो मूविंग एवरेज पहले बाउंस हुआ था, तो मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ नीचे मिले तो नीचे मिला तो आप फिर से बाय जा सकता है जिंक में। तो पहले इसलिए हमें बाय एंट्री मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने रेंज दे दिया ये, आप ये रेंज में ट्रेडिंग कर सकता है। तो अगर 15 मिनट में भी हम देख सकते हैं इसको, हमें अगर बाय मिला तो 15 रेंज में, राइट। तो अभी भी आप देख सकते हैं ये सेल सिग्नल ही हमें आ रहा है, तो अगर सेल पोजीशन लिया तो यहाँ तक ले सकता है जैसे 193, राइट। तो मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आने का चांसेस है। तो अगर कॉपर को देखें, कॉपर एक रेंज में चल रहा था, जो मैंने आपको पहले ही दिया था एक रेंज, जब मार्केट यहाँ पे था तो ये हमारा टारगेट था। तो अभी मुझे लगता है ये रेंज का बाहर भी आ सकता है, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज का जो रेड लाइन दिया हुआ है मैंने, 200 मूविंग एवरेज का है, तो इसको भी ब्रेकआउट किया, तो अगर यहाँ से पुल अप मार्केट नहीं हुआ तो मार्केट इसको ब्रेकआउट कर सकता है। फिर भी यहाँ से एक बार कंफर्म होना चाहिए, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी सॉरी सपोर्ट है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स थोड़ा कर सकता है। तो अगर हम देखें और निकल, तो अब निकल को देख सकते हैं बड़ा वाला रेंज में, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया में है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में रहता है, तो हम इसमें बाय लेना थोड़ा रिस्क हो सकता है, सॉरी सेल लेना थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से
रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए आपको होल्ड करना पड़ेगा ये निकल में, राइट. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.